हल्द्वानी नगर निगम में निगम के अधिकारी सड़क से आवारा जानवरों को हटाने में विफल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हल्द्वानी में लगातार आवारा जानवरों से हो रही मौतों के बाद भी नगर निगम प्रशासन शहरी सड़कों से आवारा जानवर को हटा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मीडिया द्वारा जब भी सवाल उठाए गए तो नगर निगम स्थायी गौशाला बनाए जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा। वहीं इस मामले में नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि गंगापुर कबड़वाल गांव में स्थायी गौशाला का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और हल्द्वानी शहर में दो अस्थायी गौशालाओं को बनाया गया है जिनमें आवारा जानवरों की संख्या लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही नई गौशाला में आवारा जानवरों को पकड़ने का काम शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमारी जो एक स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कबडाल में बन रही है उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं रजपुरा और शीश महल उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे और क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएं हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर तय सुविधाओं के साथ